एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अपना सबसे पहले बनाते हैं टू डू लिस्ट। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो क्या 10 बजे मेरी स्टडी स्टार्ट हो रही है? आंसर है नो, क्योंकि मॉर्निंग में जगते ही मैंने चाय बना के पिया, क्योंकि चाय के साथ ही मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है। तो चाय बना के पिया, उसके बाद जो भी हमारे बाकी के काम है सब काम हमने पेंडिंग रख दिया है। जब लाइट कटेगी उसके बाद सारा काम करेंगे, क्योंकि लाइट 10:50 मैक्सिमम रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। तो मैंने सोचा सबसे पहले हम अपनी स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना बाकी का काम कर सकते हैं, लाइट नहीं रहेगी तब भी। तो सबसे पहले हमने अपनी करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट की, जो कि 1 घंटे 2 मिनट की क्लास थी हमारी, जो कि यूट्यूब पर फ्री क्लासेस मिल जाएगी आपको इमरान सर की। तो वो क्लास हमने कंप्लीट की। उसके बाद हमने एक अपनी ऑनलाइन क्लास कंप्लीट की, जो लगभग 1 घंटा 55 मिनट की थी। तो लगभग हमारे 3 घंटे की स्टडी हो गई है। तो आज कल मेरा जो शेड्यूल बनने जा रहा है उसमें 3 घंटे की स्टडी ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, क्योंकि बहुत हैक्टिक हो जाता है अगर मॉर्निंग वाला टाइम हम ले लेते हैं 1 से 1.5 घंटा अपना पर्सनल काम निपटाने के लिए, जैसे बर्तन वगैरह धुलना, रूम साफ करना। तो इन सब कामों में 1 से 1.5 घंटे चला जाता है। तो बाकी के जो हमारे स्टडी शेड्यूल होता है वो बहुत हैक्टिक हो जाता है, क्योंकि शाम को हमें लाइव भी आना रहता है, अपना डिनर भी बनाना रहता है उसी टाइम में। लंच तो चलिए लाइट कटती है तब बनता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब चीज़ों को मैनेज करना एक साथ बहुत हौच पौच हो जाता है। फिर क्या होता था 2 दिन से कि रात में मैं बहुत लेट सोती थी और मॉर्निंग में मुझे जल्दी जगना होता था, तो बहुत ज़्यादा ऐसे थकान सी लगी रहती थी, एनर्जेटिक फील नहीं होता था। तो इसी वजह से आज मैंने सोचा कि मॉर्निंग में जग के सबसे पहले अपनी स्टडी कर लेते हैं, ताकि आज नाइट में हम टाइम से सो जाएंगे, ताकि प्रॉपर हमें नींद मिलेगी, तो सुबह उठेंगे तो हमें फ्रेश फील होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपना टू डू लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि एक अपने पास प्लान होता है तो उस टारगेट को अचीव करना, उस टारगेट को कंप्लीट करने का एक दिमाग में बना रहता है टेंशन कि नहीं उसे हमें कंप्लीट करना है। और रही बात, बहुत सारे लोग मेरे साथ नए जुड़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यूपी के एस्टेट और साथ में UPPSC से जो वैकेंसी RO आती है उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। और हाँ, आप लोग इस एक्सपेक्टेशन के साथ मेरी वीडियो देखना कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर इसमें से कुछ यूजफुल लगे तो आप लोग सीख लेना, अगर यूजफुल नहीं लगे, आप लोगों को ऐसा लगे कि यहाँ पे मुझे एडवाइस देना चाहिए, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है और स्वागत है आपका कमेंट सेक्शन में। आप अपनी एडवाइस देना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमसे बड़े लोग भी हमको देखते हैं और हमसे छोटे लोग भी हमको देखते हैं। तो बड़ा छोटा यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपको कितनी नॉलेज है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हमें नहीं पता है या आप हमें एडवाइस कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल दिल खोल के एडवाइस करिए, स्वागत है आपका। और लाइव सेशन में भी आप जुड़िए शाम को 8:30 बजे। तो चलिए आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हम बनाते हैं अपना टू डू लिस्ट। तो फ्रेंड्स, अभी मैं RO की प्रिपरेशन कर रही हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना टू डू लिस्ट बना रही हूँ। तो एक सुपर टेट के लिए ये कमेंट्स आया था, तो दी आपका कमेंट मैंने देखा है और अभी मैं अपने RO के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। इस वजह से मैं टॉपिक वाइज नहीं बताती हूँ, मैं अपना टाइम ड्यूरेशन बताती हूँ कि मैं कितने घंटे क्या पढ़ती हूँ और कैसे सब्जेक्ट मैं रखती हूँ। तो क्योंकि बहुत सारे मेरे साथ सुपर टेट और यूपी टेट के बच्चे भी जुड़े हैं, तो उनको भी एक आइडिया मिल सके अपना टू डू लिस्ट बनाने से। तो अगर आप चाहें, आपको समझ में आए, तो आप मेरे टू डू लिस्ट से हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो एक सुपर टेट के लिए अलग से टाइम। ये रहा मेरा टू डू लिस्ट, फ्रंट कैमरा से इस वजह से क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो इसमें से कुछ टाइम पहले से डिसाइडेड है, कुछ टाइम बाद में हम इसमें नोट करेंगे जितना भी टाइम इसमें लगेगा। तो ये लगभग 10 आवर्स का, क्योंकि मैंने टारगेट किया है कि इतना मुझे 10 आवर्स में कंप्लीट कर लेना है, जिसमें से 3 आवर्स की स्टडी हमारी हो चुकी है कंप्लीट, बचा है 7 आवर्स की स्टडी, तो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे इजीली, क्योंकि आज ऑलरेडी हमारा 3 घंटा पहले कंप्लीट हो चुका है। तो अब 7 घंटे को कंप्लीट करना मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, क्योंकि जब लाइट नहीं भी रहेगी तो बाकी अपने सारे काम निपटाने के बाद मैं 1 से 1.5 घंटे की अपनी स्टडी अच्छे से कर लूँगी। तो सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स जो कि हमने कंप्लीट कर लिया, ऑनलाइन क्लासेस हमने आज 2 रखे हैं, जिसमें से 1 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 1 क्लास और हमें कंप्लीट करनी है। और क्लास में क्यों कम की हूँ आज ऑनलाइन वाली, क्योंकि मुझे रीजनिंग की भी आज क्लास लेनी है, तो इस वजह से मैंने क्लास कम कर दिया है। जब सीट लगानी होती है तो ऑनलाइन वाली क्लास मेरी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, तो रीजनिंग की आज क्लासेस मैं लेती हूँ, लगभग 2 क्लासेस कंप्लीट करूँगी रीजनिंग की। उसके बाद नोट्स रिवीजन हमारा होगा, क्योंकि नोट्स का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर रिवीजन आप नहीं करते हैं तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, आप एक तरफ से पढ़ते जाते हैं दूसरी तरफ से भूलते जाते हैं। लास्ट में आता है हमारे घटना चक्र का रिवीजन, जो कि घटना चक्र में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों की प्रिपरेशन में घटना चक्र। तो घटना चक्र से क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है मेरे लिए,
तो वो मैं कंटिन्यू रख रही हूँ अभी। तो ये है आज का हमारा प्लान। अगर इसमें कुछ भी ऐड करती हूँ या कुछ भी इसमें से लेस होता है तो वो चीज़ें आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगी। तो पूरी वीडियो देखिए और हमारे साथ अपनी स्टडी कंप्लीट करिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ब्लॉग के शुरुआत में ही बताया था कि मेरे करंट अफेयर्स की क्लास और साथ में एक ऑनलाइन क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, लाइट 11 बजे जाएगी। तो चलते हैं, एक घंटे में अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पॉलिटी से हमने कई दिन हो गए क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट। तो पूरे प्रेसिडेंट वाले चैप्टर का रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था तो हमने सोचा पहले आज एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि कहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है वो चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब हम नोट्स का रिवीजन करेंगे तो उस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने घटना चक्र से प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व किया, जहाँ पे मुझे डाउट आया वो भी मैंने अंडरलाइन किया, और जिस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आई उसको भी हमने राउंड करके छोड़ दिया, क्योंकि कई बार हमने घटना चक्र से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो अब वो टाइम आ गया है कि जो क्वेश्चन हमें आते हैं उसको स्किप कर दें, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको एक बार राउंड करके छोड़ दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम रिवीजन के लिए अपनी बुक उठाएं तो हमारा ध्यान वहीं पे जाए। तो अभी लाइट चली गई थी तो मैंने सोचा चलो खाना बना लेते हैं। तो अभी हम सब्जी और चावल रख देंगे, बन जाएगा, क्योंकि लाइट नहीं रहती तो ये बाकी के सारे काम मेरे हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा काम बचे भी नहीं थे सुबह के, रूम साफ़ करना था, बर्तन साफ़ करना था और साथ में खाना बनाना था, तो वो सारे काम भी मेरी लगभग एक घंटा से भी थोड़ा सा कम ही लगता है, निपट जाता है। तो फ्रेंड्स, दोपहर में लंच करने के बाद मैं अपनी वीडियो एडिट करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि एक दिन पहले ही हमारा शेड्यूल सूट हो चुका होता है, तो उसकी वीडियो अगले दिन आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो दोपहर में मैं वीडियो बैठ के एडिट करती हूँ, क्योंकि लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट के लिए भी टाइम चाहिए, और उस टाइम पर लाइट भी नहीं होता है तो छत पर जाकर बैठ के पढ़ना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। तो इस वजह से मैं उस टाइम पर वीडियो एडिट कर लेती हूँ, और अभी रात में वीडियो एडिट करना स्किप कर दे रही हूँ, क्योंकि रात में प्रॉपर सोने का टाइम चाहिए, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा लगी रहती है और सुबह में लाइट कट जाती है तो सुबह जल्दी जग के हमें अपने शेड्यूल को कंप्लीट करना रहता है। तो इस वजह से मैं अभी थोड़ा सा टाइम का ध्यान दे रही हूँ। तो अभी शाम का टाइम है, शाम के 5 बज रहे हैं, 5 बजे लाइट आई है। तो अभी मैं बैठ गई हूँ पॉलिटी के नोट्स का रिवीजन करने के लिए, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमने सबसे ज़्यादा टाइम दिया है उसका रिवीजन अगर करेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास प्रीवियस ईयर जो हैं वहाँ से मिल रहे हैं हमारे नोट्स से, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं हमें अपने नोट्स पे अच्छे से टाइम देना है, और जितना हमने नोट बनाया है कम से कम उतना तो मेरे माइंड में फिट होना चाहिए, वहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो लोग सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं साथ में आर ओ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अभी सुपर टेट का नोटिफिकेशन डिले हो गया है, अभी नहीं आएगा, तब तक आपके आर ओ का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो एक चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड टेंशन चलती रहती है, तो उसके लिए इस वीडियो में मैं थोड़ी सी क्लियरिटी दे दूंगी कि हम लोग जब आर ओ का सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो क्या कुछ हमारे सुपर टेट का भी कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी रात के 10 बज रहे हैं और इस टाइम पे मैं डिनर बना रही हूँ, क्योंकि 9:30 बजे तो हमारा लाइव ही ख़त्म हुआ है। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत बात किया घर पे, उसके बाद हम आ गए हैं डिनर बनाने के लिए, और आज डिनर में कुछ एक्स्ट्रा बनाने का मेरा मन नहीं था, तो दिन का थोड़ा सा चावल मेरे पास बचा हुआ था, तो सब्जियाँ वगैरह भी बहुत ज़्यादा मैंने नहीं ऐड किया ताकि जल्दी बन जाए, तो मैंने थोड़ा सा टमाटर काट के नमक और मिर्चा डाल के सिंपल एकदम बिल्कुल फ्राइड राइस बना लिया। और ये वीडियो आज सुबह जब मैंने न्यूज़ ऑन किया तो मैंने देखा, और ये MP की वीडियो है, जहाँ एक व्यक्ति कलेक्ट्रेट ऑफिस गया है इस तरीके से पेपरों को लगा के, और वो लेटते हुए गया है, वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि अपने यहाँ का सिस्टम कितना स्लो काम करता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे अगर किसी के साथ अपराध भी हो जाए तो न्याय मिलने में पूरी उम्र निकल जाती है, और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो भी कितने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, एक एक भर्तियों का मौका मिलना तो दूर, उन्हें भर्ती में अपीयर होने का ही चांस नहीं मिला, तो इंसान क्या ही खुद को आंकेगा कि हम कितने सक्षम हैं और कितने सक्षम नहीं हैं, बैठ के इंतज़ार कर करके इंसान इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो इस टाइम पे हम सुपर टेट वाले बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं इस कंडीशन को। और फ्रेंड्स, सुपर टेट का सिलेबस जब आप उठा के देखेंगे तो मैथ है, रीजनिंग है, आपके आर ओ में भी मैथ और रीजनिंग है, GS आप यहाँ से पढ़ते हैं, कहने की बात है कि 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आए थे GS में, आप अच्छे से 69,000 का पेपर उठा के देखिए, जियोग्राफी से भी क्वेश्चन था, पॉलिटी से भी था, हिस्ट्री से भी था, भले दो तीन क्वेश्चन ही थे लेकिन थे, तो ये आप कह के नहीं टाल सकते, तो काफ़ी हद तक आपका सिलेबस कवर हो जाता है। हिंदी आप पढ़ेंगे तो हिंदी आपका 20 नंबर का कवर हो जाएगा, बचता क्या है, इंग्लिश बचता है, साइकोलॉजी बचती है, संस्कृत बचता है, तो आपका लगभग
लगभग 60% सिलेबस कवर हो जाएगा, 40% जो बचा रहेगा उसको हम लोग बाद में अलग से कवर कर लेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा तब, या फिर हमारी आर ओ की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी तब। अभी हम लोगों के सामने आर ओ का एग्जाम है, तो बिल्कुल आप लोग आर ओ के लिए लगे रहिए और इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं ना वो आपके उसमें नहीं काम आएगा, काम बिल्कुल आएगा और बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए ये वीडियो बहुत लंबी नहीं करते, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं।